हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बताऊंगा कि जो फेसबुक का हम जो अपडेट आता है फेसबुक में, डिलीट करने का जो ऑप्शन होता है, तो बार बार अपडेट होने के कारण से हमें डिलीट भी नहीं कर पाते हैं और पासवर्ड को भी पता भी नहीं कर सकते अगर पासवर्ड याद नहीं रहता है फेसबुक का। तो इन दोनों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप फेसबुक का जो अकाउंट रहता है उसको परमानेंट डिलीट भी कर सकते हो और उसका पासवर्ड किस तरह से आप रिकवर कर सकते हो अगर पासवर्ड भूल चुके हो। तो इस वीडियो में आपको पासवर्ड के रिलेटेड भी आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। और दोस्तों, बहुत ही दिक्कत होता है कि अपडेट जैसे ही हमारा व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी हम जितना भी आप यूज करते हैं उसका अपडेट आता रहता है। जब भी हम अपडेट कर देते हैं तो उसका जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज जैसे ही होता है तो उसका जो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन भी हट जाता है, कहीं उधर अलग अलग तरीके में ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो का आप पूरा देखिए तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि फेसबुक का अकाउंट किस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। एक मिनट में आप डिलीट कर सकते हो फेसबुक का अकाउंट। और इसका जो पासवर्ड अगर पता नहीं है तो इसमें पासवर्ड में मैं बताऊंगा किस तरह से आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो, न्यू पासवर्ड दे सकते हो, अगर पासवर्ड आपका सेव है फ़ोन में उस पासवर्ड को आप भी चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी किए बिना वीडियो को देख लेते हैं किस तरह से होता है इसका प्रोसेस। और आप वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए, बहुत ही आसानी से अपना फेसबुक का अकाउंट आप डिलीट भी कर सकते हो और उसका पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो मैं अपने स्मार्टफोन पे स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ। यहाँ से जैसे मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ, मेरा जो फेसबुक पेज है ये ओपन हो जाएगा फेसबुक। तो यहाँ पे देखिए, फेसबुक अकाउंट यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है, जो मेटा का, यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसके वजह से वो डिलीट का, मैंने पहले ही एक फेसबुक में वीडियो बनाया था, वो वीडियो में अकाउंट डिलीट करने का जो ऑप्शन आता था वहाँ पे हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहली बार आपको फेसबुक को ओपन करना है। यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो ये सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेटा का यह जो ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे अकाउंट सेंटर। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा ये दूसरा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेज आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ये मेरा अकाउंट का जो यहाँ पे देखिए। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप फेसबुक का अकाउंट जो डिलीट करोगे, अगर फेसबुक का कोई पेज है उसी अकाउंट में लिंक है तो पेज भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बार आपको देखिए पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका सारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो आपने फेसबुक में जो भी कॉन्टैक्ट दिया है यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो पहली बार में हमारा फास्ट में मिल जाता था, अभी देखिए अपडेट होने के कारण से यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है अकाउंट को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पे आपको क्लिक करना है, सेकेंड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है टेम्पोरली डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आपको टेम्पोरली डिलीट होगा और परमानेंट डिलीट होगा, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिंपली सेकेंड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो फेसबुक का अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है और इसमें मैंने इंस्टा जो आईडी है इस पर लिंक किया था ये भी शो कर रहा है, ये भी सारा हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा डिलीट करना है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना है। तो फेसबुक अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं सिंपली फेसबुक के अकाउंट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन आ चुका है। ये डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेट मतलब ये अकाउंट तो रहेगा लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा, डीएक्टिवेट होकर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिलीट अकाउंट जो है ये परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगा, पेज भी शो हो जाएगा, जितना भी सारा पेज है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है आपको थोड़ा। और यहाँ पे देखिए मेरा जो यहाँ पे पेज शो कर रहा है, यहाँ पे मेरा तीन पेज है और यहाँ पे सारा जो तीनों पेज है यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपका फेसबुक में एक भी पेज होगा, एक ही पेज यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करना है आपको। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बोल रहा है कुछ रीज़न देना पड़ेगा कि आप अकाउंट किस लिए डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे देखिए माई अकाउंट हैज़ बिन हैक्ड, तो इस रीज़न आप दे सकते हो। कोई भी रीज़न यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, चूज़ करने के बाद यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मच टाइम यहाँ पे आपको देना है, जो भी आपको ठीक लगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे तो ये वाला भी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो, ये थर्ड नंबर पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा फिर दूसरा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा पेज में ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू किया यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिफोर योर डिलीट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट और गो टू एक्टिविटी लॉन्ग, तो यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफ़र इन्फो, तो यहाँ पे नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए फिर कंटिन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा जो दोस्तों को पता नहीं है पासवर्ड किस तरह से हम रिकवर करते हैं कि क्या करते हैं। तो इसका जो वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में आपको पासवर्ड किस तरह से पता करोगे उसका जो आसान सा प्रोसेस है, तो ये वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को देख के आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो सिंपली मुझे पासवर्ड पता है, मैं यहाँ पे सिंपली मैं पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने जैसे ही पासवर्ड दे के कन्फर्म किया तो यहाँ पे देखिए कन्फर्म परमानेंट अकाउंट, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे 30 दिन के बाद ये अकाउंट डिलीट परमानेंटली हट जाएगा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा, आप ही चेक कर सकते हो। लेकिन इसको अगर आप यहाँ पे डिलीट करते हो तो ये हट जाएगा, सर्च में भी नहीं आएगा। 30 दिन के बाद ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, हमेशा के लिए ये 30 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा। अगर आप 30 दिन के अंदर ही आप इसको लॉगिन कर लेते हो तो ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। और इस अकाउंट को अगर आप डिलीट करते हो तो 30 दिन तक इस अकाउंट को लॉगिन मत करना। अगर लॉगिन कर लेते हो तो ये अकाउंट एक्टिवेट होगा, अगर लॉगिन नहीं करते हो ये 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिलीट अकाउंट, तो डिलीट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका हमेशा के लिए अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस अकाउंट को डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इस वीडियो में बनाया हूँ किस तरह से आप एक अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमेशा अपडेट आता रहता है। और दोस्तों अगर पासवर्ड पता नहीं है तो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा कि पासवर्ड किस तरह से आप पता कर सकते हो। और यहाँ से मैं सिंपली इसको बैक कर लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।